वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं कंसेप्ट सब्लिमेशन की एक और नई वीडियो। तो गाइस फाइनली डीटीएफ की ये वीडियो आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ी लिया होगा, डीटीएफ से रिलेटेड है पूरी वीडियो ये। तो डीटीएफ से रिलेटेड आज हम सारी बातें करने वाले हैं। फटाफट से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं क्या डीटीएफ है, या इससे पहले जो हम प्रिंटिंग कर रहे थे वो क्या थी। तो जो इस बिजनेस को करने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा कि क्या चीज़ है डीटीएफ। तो पहले हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। ये सब्लिमेशन वाली प्रिंटिंग है हमारी, इसके अंदर करीबन आपकी 30% लाइन कवर हो रही थी, जिसके अंदर आपकी ये लाइट कलर की टी शर्ट्स, पॉलिस्टर टी शर्ट्स ये सब प्रिंट हो रही थी। ये सारा आपका सब्लिमेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोगों ने एड ऑन करा था और 30%, उसके अंदर फिर आपकी विनाइल कवर हो रही थी, जहां पर आप प्लॉटर की हेल्प से विनाइल को कटिंग करते थे और उसके बाद में आप उसे हीट ट्रांसफर करते थे। ये रहा एक बार को सिंगल कलर वाला फंडा, जहां पर सिंगल कलर से आप काम कर पा रहे थे। उसके बाद बात करते हैं हम डीटीएफ की। ये है हमारा डीटीएफ, ठीक है। मल्टी कलर करना है, फोटो क्वालिटी आपके सामने। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे प्रिंट और भी निकाले हुए हैं, तो बस आपके ये देखिए पूरा फोटो क्वालिटी इसके अंदर है। ये आपका डिज़ाइन हो गया, ये सारा इसके ऊपर ट्रांसफ़र किया हुआ है ये सारा। तो पूरा बेसिकली इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको प्रिंटर अलाइन करना है, किस तरीके से प्रिंटर आपको मॉडिफाई करना है। क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज थी, बहुत सारी कॉल्स थी कि सर डीटीएफ के ऊपर काम करो। एक्चुअली वीडियो लेट हमारा हो इसलिए गया, करीबन 1.5-2 साल से हम लोग इसी चीज़ के ऊपर लगे हुए थे कि कौन सी इंक बेस्ट है। क्योंकि जनरली जो ये वाली इंक होती है ये लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स के ऊपर बहुत बढ़िया काम करती है, लेकिन जो डेस्कटॉप फॉर्मेट के प्रिंटर्स हैं, छोटे प्रिंटर्स हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी तकलीफें ज़्यादा थी। तो इसीलिए इंक को लेकर के रिसर्च चल रहा था कि हमने काफ़ी डिफरेंट कंपनियों की डिफरेंट टाइप की इंक्स हम लोगों ने ट्राई करी प्रिंटर के अंदर, डेस्कटॉप लेवल के प्रिंटर्स के अंदर, L805 के अंदर या L1800 के अंदर जो एप्सन के प्रिंटर आते हैं। तो फाइनली सारी चीज़ें टेस्ट हो गई, प्रिंटर को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, प्रिंटर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और इंक हम फाइनली इंक हमारे पास में आ गई कि हाँ इस इंक के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज भी प्रिंटर को लेकर के, प्रिंटर की लाइफ को लेकर के कहीं कोई इशू उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो फिर वीडियो आज काफ़ी वैसे लंबा होने वाला है, क्योंकि प्रिंटर को मॉडिफाई भी करके बताएंगे, पूरा खोलना बांधना ये सब इसके अंदर होने वाला है आज। तो मेरे पास में है एप्सन L805 प्रिंटर, मैंने ऑलरेडी इसे मॉडिफाई किया हुआ है, बस आपके आइडिया के लिए मैं वापस से इसे खोलूंगा और वापस से इसे पैक करूंगा। इसके अंदर से मैंने क्या क्या कराया, क्या क्या चीज़ें करी हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। पहले मैं इसे कर देता हूँ साइड, और ये प्रिंटर है, ठीक है। मैंने पूरा ऑलरेडी इसके साथ में सब कुछ मॉडिफाई किया हुआ है। आपको स्क्रू कौन कौन से सबसे पहले ओपन करने हैं, एक आपके पास में स्क्रू ये वाला है, एक आपके पास में स्क्रू ये वाला है, ठीक है। और एक स्क्रू आपके पास में ये हो गया, ठीक है। ये आपको 3 स्क्रू ओपन करने हैं। तो सबसे पहले हम पीछे से शुरू करते हैं, इधर से नॉर्मल कोई भी स्क्रू ड्राइवर आप ले लेंगे, ठीक है। ये निकाल के मैंने इधर साइड में रख दिए, और फ्रंट वाला टैंक सिस्टम को आप उठा के साइड में रख देंगे, ठीक है। ओके, सिंपली आप ये भी निकालना है, ये आप निकाल लोगे इस तरीके से, बस इधर से प्रेस करोगे आप, ये निकल जाएगा और पूरा बॉक्स आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने किया ये, उसके बाद में ठीक है ये इसका हेड हो गया, हेड अभी लॉक है, हम हेड को इधर से ये लॉक दिया हुआ है, इधर लॉक को घुमाएंगे, तो ये लॉक आपने घुमाना है, ये वाला लॉक आपको, ये आपका जो हेड है वो अनलॉक हो जाएगा। अब आप इसे मूव कर सकते हो, हालांकि मूव करने की उतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि उधर से आपके लॉक लगे होते हैं, ये लॉक को आप घुमाओगे इसको तो ये आपका हेड जो है मूव हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें सबसे पहले ये वाला स्क्रू जो है अनस्क्रू करना है, ये हमने स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है, ठीक है। ये हमने निकाल दिया, देखो इसमें आपको डिफरेंट कलर्स की सबसे पहले तो चाहिए सिरिंजेस, ठीक है। पूरी किट बना रखी है हम लोगों ने, सारा चीज़ आपको मिलेगी उसके अंदर, स्क्रू ड्राइवर भी होगा, कॉटन भी होगा, टिश्यू पेपर भी होगा, ताकि आपको साफ सफाई करने में भी कोई दिक्कत ना हो। देखो ये दो तरीके से आज मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, एक तो ये वो प्रिंटर है अगर आप जो एग्जिस्टिंग यूज़ कर रहे हैं प्रिंटर को और वो आपको डीटीएफ के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, और नया प्रिंटर अगर आप ले रहे हो, नए प्रिंटर को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। आप सपोज मानो कि ये प्रिंटर ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो, आपको ये चेंज करना है, ऑलरेडी इसके अंदर इंक है, सबसे पहले आपको प्रिंटर आपने पूरा अपना ओपन कर लिया,
दिया, ये जो डॉट्स हैं इन्हें आप निकाल लोगे, ठीक है। डॉट्स के अंदर मैंने तो वाइटिंग इसके अंदर डाली हुई है, तो डॉट्स को सबको आप निकालोगे सिरिंजेस की हेल्प से। साथ में आपको ये पाइप मिलेगा, पाइप आपको इसके आगे लगाना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पाइप इसके आगे लग जाएगा, और पाइप लगाने के बाद फिर आपको इसके अंदर पाइप डाल करके पूरा इंक को जो है सक कर लेना है। कलर वाइज मैंने इसके अंदर बना रखा है, ब्लैक का हो गया ये आपका, ये मेजेंटा का हो गया, पूरे छः की छः सिरिंजेस हैं। एक आपका इसके अंदर क्लीनिंग सॉल्यूशन के लिए होगा, जिससे हम क्लीनिंग सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। तो आप पूरा इंक को इसके अंदर से निकाल लोगे बाहर, पूरा एक एक करके निकाल करके आप इसे पूरा बाहर निकाल लोगे। और जब आप बाहर निकाल लोगे इसके अंदर आप एटलीस्ट 5 to 10 ml आप इसके अंदर CS डालोगे, क्लीनिंग सॉल्यूशन। क्लीनिंग सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, ये क्लीनिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। 500 ml की पैकिंग के साथ में आएगा आपका ये, जब आप प्रिंटर की पूरा कन्वर्जन किट लेंगे उसके अंदर 500 ml की पैकिंग के अंदर आता है ये। तो 10-20 ml आप सभी के अंदर डाल देंगे, और डालने के जब आप इंक निकाल लेंगे उसके बाद आपको CS इसके अंदर डालना है। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है वो थोड़ा सा है ट्रिकी, वो किस तरीके से आपको करना है। एक स्क्रू हमने यहाँ से खोल लिया, इसे हम ट्रे को राइट की तरफ स्लाइड करेंगे और ये आपका जो ऊपर का कवर है वो निकल जाएगा। उसके बाद में ये हेड के नोजल्स हैं, जहाँ से आपका कार्ट्रेज है छोटी छोटी, जहाँ से आपकी इंक जो है हेड के अंदर सप्लाई होती है। ये आपकी जो पिन है इसे आपको निकाल देना है, बस आगे की तरफ स्लाइड करना है, ये बाहर निकल जाएगी, इसे आपको पीछे की तरफ कर देना है। उसके बाद में ये है होगी आपकी कार्ट्रेज। अब कोई भी पिन पेचकस आप लेकर के जो किट के साथ आपको मिलेगा, इधर ये लॉक होता है ये वाला, इसे आप प्रेस करेंगे ना, ये वाला जो लॉक है ये वाला, इसे आप प्रेस करेंगे और आपकी जो ये है कार्ट्रेज जो है बाहर आ जाएगी, ये वाली है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये वाइट इंक मैंने इसके अंदर डाली हुई है, ये लाइट का रिफ्लेक्शन शायद कलर चेंज कर रहा है, तो वाइट इंक मैंने डाली हुई है। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपके टैंक के सिस्टम के अंदर इंक पहले से डली हुई थी, आपको यहाँ से भी इंक खाली करनी है। इंक खाली करने का तरीका क्या है, जैसे अब ये है मेरा मजेंटा लाइट शान मैंने लिया है, ठीक है, ये आपने इसके अंदर लगाया सिरिंज, और आपको इंक जो है यहाँ से सक कर लेनी है। सक करने का मतलब ये है, जैसे अब ये इंक इसके अंदर ही आ गई है, ठीक है, इस तरीके से आपको इंक पूरी की पूरी निकाल लेनी है इसके अंदर, ये इंक इसके अंदर ही आ गई, ठीक है। तो क्या होगा, आपको तब तक ये निकालनी है जब तक आपके टैंक के अंदर पड़ा हुआ जो CS है, जब तक कि CS आपका आपके सिरिंज के अंदर आना शुरू ना हो जाए। आपका सिरिंज के अंदर CS आना शुरू हो जाएगा तो आपकी जो पूरी लाइन है, लाइन के जो जितनी भी इंक थी वो सारी आप निकाल चुके होंगे। मैं इसे ऐसे कैसे वापस निकाल लेता हूँ, ठीक है, इंक के पूरी डंप करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। ये निकाल के मैं आपको एक एक करके सभी का इसी तरीके से निकालना है, एक एक करके। ये मैंने इसे ओपन किया, सभी के पीछे पिंस लगी हुई हैं, ये आपने ये वाला निकाला, फिर नेक्स्ट निकाला, फिर नेक्स्ट निकाला। इसमें एक अच्छी बात ये है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप भूल भी जाते हो कौन सा मैंने कार्ट्रेज कहाँ से निकाला था, आपको किस तरीके से पता करना है मैं भी आपको बताता हूँ। देखो ये नोजल्स होती है जहाँ से हेड के अंदर सप्लाई होती है, यहाँ से आपकी पूरी जो है सप्लाई होती है हेड के अंदर। अब आपको लगाना किस तरीके से वापस, अगर आप सोच रहे हैं कि यार कौन सा हमने कार्ट्रेज कहाँ से निकाला था कैसे पता करेंगे, काफ़ी टफ हो जाएगा, सिंपली ये इस तरीके से सीक्वेंस वाइज है इसके अंदर, ठीक है। आपको एक एक करके उठाना है, पहला वाला आप उठाएंगे, ठीक है, यहाँ से इंक सप्लाई होती है नीचे की तरफ, यहीं से आपको इंक पूरा निकालना है। जैसे येल्लो का मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये येल्लो है, ये हमने सिरिंज इसके पीछे लगाया, ठीक है, और हम यहाँ से इसे इस तरीके से नीचे करके इंक जो है पूरा निकाल लेंगे बाहर, इस तरीके से आराम आराम से करेंगे प्रोसेस, जब तक कि आपके इसके अंदर CS ना आ जाए। जो आपके टैंक के अंदर आपने 10-20 ml डालोगे आप, जब तक वो CS नहीं आ जाता है आपके सिरिंज के अंदर, तब तक आप उसे इंक को सक करते रहेंगे, ठीक है। आप सपोज मानो ये खाली हो गया, अब इसके अंदर CS आ गया, तो आप इसे वापस से लॉक कर दोगे, ऐसे ही अगेन आप नेक्स्ट निकालोगे, नेक्स्ट के अंदर भी नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे से आप इसे निकाल करके इंक को पूरा सक करके, जब तक कि CS आपके सिरिंज के अंदर ना आ जाए तब तक आप उसे सक करते रहेंगे। अब थर्ड पाइप है आपका ये वाला, और ये देखो ये वाला पार्ट जो होता है ना हर एक कार्ट्रिज के अंदर दिया हुआ है, बहुत ही स्मूथ तरीके से बहुत ही केयरफुली पकड़ना है, इसके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन लगी हुई है सील के साथ में, अगर ज़्यादा आपने प्रेस किया तो फट भी सकती है ये। आराम से बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से नीचे प्लास्टिक के साइड से आप उसे पकड़ेंगे, और फिर उसके बाद आपका सिरिंज लगा करके फिर आप उसे सक करेंगे। ये वाला हमने कार्ट्रिज लगा दिया, इसके बाद नेक्स्ट पाइप है हमारा ये वाला, ये हमने लगा दिया। उसके बाद में है हमारे पास में ये नेक्स्ट, ये हमने लगा दिया, और फिर ये लास्ट हमारा बचता है, ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब आप ये पोजीशंस देख लो,
एक एक करके हमने सारा उसी जगह लगा दिया। अगर कोई जैसे पीस अभी टाइट जा रहा है, टाइट नहीं जाना चाहिए, बहुत ही आराम से बहुत ही स्मूथ तरीके से जाएगा, मतलब आपकी पोजिशनिंग गलत है। आपने वापस से उसे निकाला और वापस से आराम से बहुत प्यार से स्लाइड करा, अगर लॉक होने की आवाज़ आएगी उस आवाज़ से आप समझ जाएंगे अब लॉक हो चुका है, अभी निकलेगा नहीं बाहर। ठीक है, वापस हम पाइप्स को लाइन कर देते हैं। अब हमें पता भी चल जाएगा कि हमने सारे पाइप्स सही लगाए हैं गलत लगाए हैं, क्योंकि सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं सारे। ठीक है, ये तो वो वाला तरीका है कि अगर आपके पास में यूज्ड प्रिंटर है, उस प्रिंटर को आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये वे बनेगा आपको ये सब खोलने का। अगर आप न्यू फ्रेश प्रिंटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, न्यू फ्रेश प्रिंटर आपको कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कहीं कुछ आपको टफ नहीं पड़ेगा, आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास में एक प्रिंटर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आपको उसे कन्वर्ट करना है DTF के अंदर, तो ईजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, वापस हम इसे चेन को लगा देंगे। चेन को लगाने का तरीका मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये लॉक्स दिए हुए हैं, एक लॉक ये आपका दिया हुआ है, एक लॉक ये दिया हुआ है ये वाला, और एक लॉक आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, सिंपली आपने इसके ऊपर अलाइन करना है, दोनों के ऊपर इधर से इसे डालना है और पीछे की तरफ इसे स्लाइड कर देना है इस तरीके से, ये आपका लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो गया। ठीक है, लॉक हो गया। अभी हम वापस से इसका कवर बंद कर देंगे। यहाँ का प्रोसेस इतना था, इसके बाद में मैं फिर अभी आपको बता रहा हूँ। देखो अभी किस तरीके से लगाना है आपको, ये दो लॉक्स इधर दिए हुए हैं, एक इधर दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ है, मैं इधर से दिखाऊंगा आपको, जस्ट दिखाऊँ, एक ये लॉक आपको यहाँ पे एक ये होल दिया हुआ है, एक नीचे होल दिया हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा। ये आपने लिया और स्लाइड कर दिया इधर की तरफ और ये आपको बिल्कुल लॉक्स के अंदर स्नग फिट बैठ गया। ठीक है, यहाँ भी आपकी पोजिशनिंग आ गई जहाँ आपको स्क्रू आपको वापस से टाइट करना है। वापस से स्क्रू ड्राइवर लिया और ये आपने इसे वापस से टाइट आपने कर दिया। अब टाइट करने के बाद में अब देखो एक चीज़ है, अब प्रिंटर आपका कन्वर्ट हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग कि आपका टैंक सिस्टम आपने खाली कर लिया है, आपने इसके अंदर से जितना भी पाइपलाइन की इंक थी वो आपने निकाल ली है। अब क्या चीज़ बचती है, इसे कहते हैं रोलर। ठीक है, ये रोलर होता है, आप ध्यान से देखेंगे इसमें दांते टाइप बने हुए हैं, कांटे टाइप बने हुए हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है, पेपर को बाहर की तरफ इजेक्शन करने में हेल्प करना। ठीक है, और पेपर को स्टेबल रखना कि पेपर आपका मुड़े ना या फोल्ड ना हो। तो ये कहाँ पे लगा रहता है, मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊंगा, ये लगा रहता है बिल्कुल इस जगह पर, यहाँ पर जितना ये स्पेस है ना पूरा, ये यहाँ पर लगा रहता है। तो हमारा निकालने का रीज़न ये था, कभी कभार क्या होता है जब आप पेट फिल्म के ऊपर प्रिंटआउट निकालते हो तो ये लाइनिंग देता है। लाइनिंग क्या देता है, बिकॉज इंक जो होती है, जो आपकी इंक होगी GTF वाली, ये आपका जो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होती है, और जब आप पेट फिल्म के ऊपर निकालेंगे तब वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहेगी, और जब रोलर्स उस इंक के ऊपर लगेंगे तो क्या होगा, ये आपका निशान देगी दाते। तो क्या होता है, हम लोग इसे निकालते हैं। देखो निकालने का तरीका क्या है, इस वीडियो के अंदर शायद कवर नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको बाकी बताता हूँ निकलेगा कैसे। देखो कितने स्क्रूज आपको ओपन करने पड़ेंगे, हेड को हमने वापस से मूव करा, आपको पहले दो स्क्रू खोलने हैं वाले, एक दो, ठीक है, फिर उसके बाद ये दो स्क्रू खोलने, फिर ये दो स्क्रू खोलने ये वाले, उसके बाद में आपको जो स्क्रू खोलने हैं मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ये दिख रहा होगा इधर, देखो थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर हैं आपके दो स्क्रूज, एक आपका स्क्रू इधर की तरफ लगा हुआ है, देखो जब आप ये दिख गया हुआ होगा आपको, ठीक है, और एक स्क्रू आपका इधर की तरफ लगा हुआ है बिल्कुल जस्ट इसके पीछे, ये क्या आइटम आ रहा है, अच्छा ये लाइन है, ये एक स्क्रू आपको ये वाला खोलना है जो इसके पीछे लगा हुआ है, और एक स्क्रू आपको ये वाला खोलना है, ये दो स्क्रू आपको अनस्क्रू करने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया है रोलर को निकालने के लिए। उसके अलावा आपको एक स्क्रू ये वाला ओपन करना है, एक इधर ही लगा हुआ है, पीछे की तरफ दो स्क्रूज हैं, एक स्क्रू ये वाला है, ठीक है, ये वाला आप अनस्क्रू करेंगे, और एक नीचे स्क्रू लगा हुआ है वो वाला आप अनस्क्रू करेंगे। ठीक है, तो ये सब करने से क्या होगा, आपको जब ये इतना सब ये स्क्रूज जो है अनस्क्रू कर दोगे तो ये वाला जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, ये वाला पूरा ऊपर की तरफ निकल जाएगा, मतलब नीचे वाले जो बेस पार्ट इसका रखा हुआ है उससे बाहर निकल जाएगा, और निकलने के बाद में जो आपका ये वाला जो है ना रोलर, ये आप इसे बाहर की तरफ निकाल पाओगे, ईजिली निकल जाएगा आराम से। देखो रोलर निकालने में क्या है, हम लोग तो सजेस्ट यही करते हैं कि आप रोलर को निकाल लो, एक बार आपने प्रिंटर आपने ओपन कर ही लिया है मॉडिफाई करने के लिए, तो रोलर को आप निकाल लो। होता क्या है, बेसिकली जो इसके अंदर ये दांते टाइप लगे हुए हैं ना, ये खांचे टाइप, ये पेपर को स्टेबल रखने का काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि जो आपकी जो इंक है DTF की जो इंक है, पेट इंक जो है, पिगमेंट इंक जो है, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होती है, और जब पेट फिल्म के ऊपर आप निकालोगे और साथ में जब ये दांते टाइप लगेंगे उसके ऊपर, तो पूरा निशान डाल देगी उसके ऊपर। तो हम लोग तो सजेस्ट यही करते हैं कि आप इसे निकाल दो, एक बार प्रिंटर आपने ओपन कर ही लिया है तब।
ठीक है। तो बाकी इसके अंदर मैंने आपको बता दिया प्रिंटर बाकी अपना ये रेडी है, इसे पैक करते हैं एक बार। और बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है, जो इसका वेस्ट टैंक का पैड है वो हमने बिल्कुल एक्सटर्नल बना दिया है ये इस तरीके से। अब क्या था, जो ये वाला पाइप थी ये आपका लगा हुआ था इसके अंदर, ये हाँ जो पाइप लगा हुआ है ना ये वाला, इसके अंदर लगा हुआ था। होता क्या है बेसिकली, अब जब पिगमेंटिंग आप डालोगे इसके अंदर, टाइम टू टाइम हेड क्लीनिंग वाला जो प्रोसेस है वो आपको कंटिन्यूस फॉर्म में करना होता है। जैसे आप नेक्स्ट डे यूज़ कर रहे हो या दो दिन बाद आप प्रिंटर को यूज़ कर रहे हो, तब आपको जो है हेड क्लीनिंग तो जल्दी जल्दी आपको देनी पड़ती है, क्योंकि वाइटिंग मैंने आपको जैसा बताया कि थिक होती है, आपको शेक करके ही डालनी है उसके अंदर। तो होता कि ठीक है, ये आपका वेस्टिंग वाला हो गया सिस्टम। तो प्रिंटर को वापस हम वाइंड अप करते हैं और फिर एक बार आपको नया प्रिंटर में आपको दिखाता हूँ, अगर आपके पास में नए प्रिंटर आपको किस तरीके से मॉडिफाई करना है। जितना हमने काम इसके अंदर किया है उतना काम उसके अंदर नहीं करना होता है। हमने बेसिकली क्या करा है, इसके अंदर पूरा हेड खोल करके पूरा एक एक कार्ट्रिज निकाल करके एक एक के अंदर से हम लोगों ने सिरिंज से सक्शन किया, जैसे मैंने अब आपको करके दिखाया था कि सक्शन हम लोगों ने उसके अंदर से किया। तो सेम उसके अंदर आपको प्रोसेस करने का जरूरत नहीं, क्योंकि उसका हेड जो है बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल फ्रेश है। सीधा आपको इंक के अंदर डाल देनी है आपके टैंक सिस्टम के अंदर, CISS के अंदर। तो बाकी मैं एक बार से फिक्स करूं, तो फिक्स करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपने सिंपली इस तरीके से लगाना है। कुछ लॉक्स हैं, कुछ लॉक्स का आप ध्यान रखेंगे। देखो ये वाला जो है ना, ये जो लाइन आपकी बनी हुई आ रही है इसके अंदर, ये बिल्कुल सीधा इसी तरीके से इस नट पर चला जाएगा नीचे की तरफ, बिल्कुल बैठ गया आपका प्रिंटर ये। ठीक है, टैंक सिस्टम को वापस से लगा दोगे, जो हमने तीन स्क्रू इसके खोले थे वो स्क्रू हम वापस लगा देंगे। दो स्क्रू हमारे पीछे की तरफ थे और एक हमारा आगे की तरफ था, ये हम लोगों ने इसे टाइट कर दिया। आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है वैसे तो, बाकी चलो कोई बात नहीं, इस बहाने आपको नॉलेज भी ज़्यादा मिल जाएगी। ये हम लोगों ने इधर टाइट कर दिया, एक हमारा फ्रंट की तरफ था ये। ठीक है, इंक डालने का प्रोसेस भी अभी आपके साथ में डिस्कस करना है, इंक किस तरीके से डालनी है। देखो इंक डालने में वैसे देखो कुछ हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा चेंज कह सकते हैं हम इसके अंदर कि थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। बिल्कुल देखो कलर कोडिंग इसके ऊपर लिखी हुई है CMYKLC और LM, मतलब CMLM LC BK और Y, श्यान मेजेंटा लाइट मेजेंटा लाइट श्यान ब्लैक एंड येलो। तो जो आपकी CM ब्लैक और येलो वाली जो इंक है वो तो सेम एज इट इज डलेगी जो आपके बोतल के ऊपर अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे सी लिखा हुआ तो श्यान वाले कॉलम में डल जाएगी, या मेजेंटा वाली बोतल है जैसे ये एम वाले कॉलम में डल जाएगी। बस आपको जो लाइट मजेंटा लाइट शान है उसके अंदर आपको क्या करना है, पूरा चेंज इसके अंदर है, आपको इसके अंदर डालनी है वाइट इंक। ठीक है, ये वाइट इंक आपको इसके अंदर डालनी है लाइट मजेंटा और लाइट शान के अंदर। अब देखो वाइट इंक की अगर मैं बात करूँ, वाइट इंक के अंदर आपको खास ख्याल रखना है। देखो बोतल के ऊपर लिखा भी है शेक दिस इंक वेल बिफोर एंड ड्यूरिंग यूज़। जब भी आप इसे यूज़ कर रहे हो, जब भी आप फिलअप कर रहे हो इसके अंदर, हमेशा आप इसे शेक करेंगे। शेक करने से क्या होगा, इंक जो होती है काफ़ी थिक होती है, जिसके कॉम्पोनेंट नीचे बैठे होते हैं पूरा मिक्सअप हो जाएंगे, सॉरी, फिर आप उसे इसके अंदर डाल सकते हैं लाइट मजेंटा और लाइट शान के अंदर। सेम इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग, या जैसे आपने अपना दिन के अंदर काम खत्म कर लिया, काम खत्म करने के बाद आप जा रहे हैं और जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप प्रिंटर को चालू कर रहे हैं, तो आपको जो टैंक है ना, टैंक को आपको इस तरीके से आपको शेक करना है। मतलब शेक करने से क्या होगा, जो व्हाइट वाला जो इंक वाला है ना, मेन हमारा व्हाइट इंक का है, बाकी CMYK के चलो एक बार को चल जाएगा, मेन व्हाइट इंक के लिए हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। सेम इसी तरीके से मैं प्रिंट आउट जब निकालूंगा तो आपको बताऊंगा कि अंदर CSB हम लोगों को डालना होता है हेड रेस्ट एरिया पे, वो क्या फंक्शन है, क्या किस तरीके से डालना है वो भी मैं एक बार आपको बताऊंगा। नए वाला प्रिंटर मैं एक बार आपको हल्का सा निकाल लेता हूँ बाहर की तरफ, फिर आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से आपको सेट करना है। वापस से ट्रे को हम इसको लगा देते हैं, बहुत ईजी है, ये वाला पार्ट इसके अंदर चला जाएगा, एक लोक हमारा इधर लगाना है, हल्का सा इधर से प्रेस करके ये आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर है बिल्कुल फ्रेश है, मतलब हमने इसके अंदर कुछ भी यूज़ नहीं करा है, बस हल्का सा आइडिया मैं आपको दे दूँ किस तरीके से आपको करना है। सेम इसके अंदर आपको क्या करना है, आपने जैसे L805 जो आप कंटिन्यूस यूज़ कर रहे थे पहले से, अगर आपको यूज़ प्रिंटर कन्वर्ट करना था तो आपको पूरा सिस्टम खोलना था, पूरा CISS ये पूरा टैंक सिस्टम खोल करके आपको एक एक को आपको खाली करना था। अब इसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, सिंपली आपको इसके अंदर आपको अपनी इंक फिलअप करनी है श्यान मजेंटा येलो ब्लैक करके, लाइट मजेंटा लाइट श्यान में सेम मैंने भी आपको बताया वाइट वाली इंक डालेंगे, और वाइट वाली इंक आप ध्यान रखेंगे शेक करने के बाद ही आप टैंक के अंदर डालेंगे, या जब भी आप प्रिंटर को काफ़ी टाइम बाद, आई मीन 8 to 12 hours बाद आप यूज़ कर रहे हो, तो आप टैंक को आप आराम से शेक करेंगे तब उसके बाद यूज़ करेंगे। ठीक है, बस इसके अंदर चेंजेस क्या करने हैं आपको, एक तो जो मैंने बताया था रोलर बार, देखो रोलर बार मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर आपको दिख जाएगा जो होता है, ये देखो ये ना ऊपर की तरफ से अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखो यहाँ पता चलेगा ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला
ये वाला ना, ये वाला सेक्शन हमें निकालना होता है, ठीक है। तो वो खोलने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि 11 स्क्रूज हैं टोटल, वो जो आपको अनस्क्रू करने हैं उसके बाद ही निकलेगा, ठीक है। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे इसके वेस्ट टैंक सिस्टम की, वो आपको किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। ये यहाँ पर लॉक लगा हुआ है इसका, ये आपको खोल लेना है, ये खुल गया आपका इस तरीके से। और सिंपली ये जो पाइप यहाँ लगा हुआ है, ये पाइप यहाँ पे, ये वाला जो पाइप लगा हुआ है, इसे आप निकाल लेंगे और जैसे मैंने बोतल के अंदर फिक्स किया हुआ है ऊपर बोतल के कैप के अंदर होल करके, उस तरीके से आप इसे फिक्स कर देंगे और आप जो इसका टैंक सिस्टम है, जो वेस्ट टैंक सिस्टम है, उसे आप बाहर की तरफ बना लेंगे। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर ना आपको हेड क्लीनिंग प्रोसेस की जरूरत थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली नॉर्मल सब्लिमेशन के या फिर नॉर्मल प्रिंटर्स के अंदर, ठीक है। तो अभी हम इस प्रिंटर को फिर चालू कर लेते हैं एक बार, फिर आपको मैं हल्का सा फिर आइडिया दूँ कि किस तरीके से आपको प्रिंटिंग वगैरह सब करनी है, पैट फिल्म क्या है, ये किस तरीके से प्रिंट आएगा, किस तरीके से आपको बॉर्डर वगैरह लगाना है, वो सारी चीज़ें मैं फिर आपको दिखाता हूँ। एक बार मैं प्रिंटर को चालू कर लेता हूँ। प्रिंटर मैंने कर लिया चालू, ऑन हो गया प्रिंटर। और बाकी देखो, मैंने कुछ स्टिकर्स भी वैसे बना के रखे हुए हैं ताकि एक्चुअली वीडियो के अंदर जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा ना, अदरवाइज़ जब मैं आपके सामने प्रिंट आउट निकालूंगा और आपके सामने फिर पूरा पाउडर वगैरह कंसेप्ट आएगा ना, तो टाइम लगेगा। हालांकि वो करके दिखाऊंगा मैं एक बार किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। हमने इसके आगे का जो इजेक्टिंग ट्रे थी वो हम लोगों ने इसके अंदर से निकाल दिया और हमने ये एक बनाया कंसेप्ट जो हम इसके साथ में चलाएंगे, ठीक है। ये नीचे इसके स्टैंड्स लगा दिए हमने ताकि जो आपकी जो शीट है वो बिल्कुल सीधी आ जाएगी। देखो होता क्या है, अब जब हमने इसके अंदर से वो जो रोलर था वो हमने निकाल दिया है तो शीट का नीचे गिरने का चांसेस है और नीचे हल्का सा भी वो टच होगी ना, नीचे हल्का सा घूम जाएगी शीट, जब आपकी स्टेबल नहीं रह पाएगी, हल्का सा भी हेड में टच होगी तो आपकी जो शीट है वो ख़राब हो जाएगी। मैं आपको हल्का सा बता दूँ किस तरीके से आपको प्रिंट आउट निकालना है। और ये देखो मैंने कुछ प्रिंट आउट इसके अंदर निकाले हुए हैं ऑलरेडी, जो पाउडर वगैरह लगा के मैंने हीटअप कर रखे हैं। ये आपका A4 शीट के ऊपर ही निकाला हुआ है, ये आपका डिज़ाइन है, मतलब कलर क्वालिटी मतलब एकदम परफेक्ट है, ठीक है। ये इसके ऊपर में पूरा पाउडर वगैरह लगा के पूरा इसे हीटअप किया हुआ है। और ये देखो नोजल चेक मैंने एक निकाला था इसका, इसमें सारे कलर सारे देखो, लाइट मजेंटा लाइट शैन में आपको व्हाइट नोटिस कर रहे होंगे, बाकी ब्लैक येलो शियान मजेंटा सब सेम है। इस प्रिंटर से करीबन प्रिंट निकल चुके हैं 19,897 हम लोग प्रिंटर से निकाल चुके हैं अभी तक, तो पूरी डिटेल आती है उसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर देखो बेसिक आप शीट किस तरीके से लगाएंगे ये बहुत समझने वाली चीज़ है। इसके अंदर देखो एक साइड जो है ग्लॉसी है, ठीक है, ग्लॉसी साइड आपको प्रिंट नहीं निकालना है, जिधर मैट साइड है उधर आपको प्रिंट निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे टेप मैंने किस लिए लगा रखी है, टेप लगाने का रीज़न ये है, शीट ये जो पैट फिल्म है ये इतनी थिन है मतलब इतनी पतली है, प्रिंटर के जो सेंसर से वो सेंस ही नहीं करेंगे इसे, रोलर इसे पिक नहीं करेगा और पिक नहीं करेगा तो प्रिंट नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपकी ग्लॉसी वाली साइड है जिस साइड आपको प्रिंट नहीं निकालना है उधर के कॉर्नर पे आप व्हाइट कलर की पेपर टेप लगा देंगे। टेप आपकी इस तरीके से लगनी चाहिए कि आपके राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में इसका प्रिंटर का रोलर होता है A4 साइज वाले प्रिंटर का, ठीक है। आपको इधर इस तरीके से लगानी है, जो आपका प्रिंटिंग वाला पार्ट है जो मैट वाला साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगा, टेप आपको पीछे की तरफ लगानी है, ग्लॉसी साइड छोटा सा टुकड़ा लगा दो आप 1.5 इंच के आसपास का, उतने में काम हो जाएगा। मैंने देखो ये टेप डिस्पेंसर लिया हुआ है, टेप डिस्पेंसर में मैंने पेपर टेप अपना फिक्स करी हुई है, ठीक है। देखो ये चीज़ें हो गई आपकी। और बाकी अब चलो फिर एक बार सिस्टम की तरफ चलते हैं, सिस्टम पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ सिस्टम से आपको प्रिंट आउट किस तरीके से निकालना है। ये शीट मैंने इसके अंदर लगा दी A4 साइज़ की। अब इसमें जो आपकी किट आती है, जो कन्वर्जन किट होती है, उस किट के अंदर आपको साथ में एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जो वाइटिंग को सपोर्ट करेगा, मतलब वाइटिंग किस तरीके से आपको प्रिंट निकालना है। तो मैं XYZ कुछ भी डिज़ाइन इसके अंदर से उठाता हूँ, कुछ फोटोज़ ही निकाल लेता हूँ ताकि फोटो में अच्छा खासा आप जज कर पाओगे, डिज़ाइन तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। और देखो दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है, आपको हमेशा जो भी फाइल के आप प्रिंट की कमांड दोगे वो हमेशा PNG होनी चाहिए, मतलब बिना बैकग्राउंड की होनी चाहिए, अदरवाइज जितना उसके अंदर होगा वो पूरा का पूरा वाइटिंग के साथ छाप देगा, ठीक है। तो हम इमेज कौन सी लें, इमेज लेते हम ये वाली, ठीक है। इसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना इसके अंदर ओपन कर लिया, ओपन करते ये साइज़ आ रहा है। अब इसके अंदर आपको कह दो, आप जज कर पा रहे हो क्या, ओके एक बार देख लेता हूँ। अब ये सीन है, अब इसमें मैं आपको दिखाऊं सेटिंग्स क्या क्या आपको इसके अंदर रखनी है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैं नीचे आपको दिखाऊं, यहाँ पे प्रिंटर्स हैं, कलर्स हैं और वाइट, ठीक है। सबसे पहले लेआउट की बात करें, लेआउट में हमने यहाँ जो साइज़ लिया हुआ है पेपर साइज़ 8.268 और 11 इंचेस, ठीक है, ये हमने यहाँ लिया हुआ है। फिर जाते हैं प्रिंटर की बात करते हैं, प्रिंटर पे हमने यहाँ एप्सन L800 सेट किया हुआ है प्रिंटर, और पोर्ट हमारा L1800 का कनेक्टेड है तो हम इसे हटा करके यहाँ से L805 कर देंगे, ये हमने कर दिया L805,
स्पीड आपकी अनडायरेक्शन लिखी हुई है उसे आप बाई डायरेक्शन कर देंगे, प्रिंट इमेज रिसैम्पल ट्रू कर रखा है आपने इसे आप फॉल्स कर देंगे, कलर डॉट साइज इसमें मिक्स आ रहा है वाइट डॉट साइज मिक्स आ रहा है, मिक्स को आप लार्ज कर देंगे वाइट डॉट साइज को, फाइन। फिर आप कलर्स में जाएंगे, कलर्स में आपको इंक चैनल है, इंक चैनल हम देखो इंक चैनल इसमें क्या लिखा हुआ है, येलो ब्लैक लाइट शान लाइट मजेंटा एंड शान। अब इसके अंदर आपको चूज करना है येलो ब्लैक वाइट वाइट मजेंटा एंड शान, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इस पर हमने क्लिक कर दिया। इंक लिमिट हमें यहाँ पे 60 रखनी है कलर्स की, यहाँ पे हमें 80 रखनी है आपको वाइट की, ठीक है, ये वाइट दिखा रहा है, ये कलर्स दिखा रहा है, सी एम वाई के हो गया, ये वाइट हो गया। उसके बाद हम जाते हैं वाइट पे, वाइट में हमें यहाँ पे वाइट लेयर जनरेशन में 100% वाइट अंडर एनी कलर्ड पिक्सल, ये ऑप्शन हमें यहाँ चूज करना है, और ब्लैक हैंडलिंग में रिमूव ब्लैक इंक पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अगेन हम प्रिंटर पे गए और इमेज को आप अपने देखो रिसाइज कर सकते हो, मैं इस इमेज को हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ, रोटेट भी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा बड़ी सी पिक्चर आए, ऐसे राइट क्लिक करा रोटेट कर दिया आपने, और इमेज को आप अगेन जैसा हमेशा निकालते हैं मिरर वैसे ही मिरर आप निकालेंगे, राइट क्लिक करा और आपने इसे मिरर कर दिया, ठीक है। अब सीधा यहाँ पर टॉप पे कमांड आ रही है प्रिंट की, हमने प्रिंट पे क्लिक करा, इसमें दो ऑप्शन है, प्रिंट कलर फर्स्ट इसे भी आप ओके कर देंगे, कलर प्लस वाइट इसे भी आप ओके कर देंगे, और देना प्रिंट की कमांड दे देंगे। और यहाँ देखो अभी जैसे प्रिपेयर प्रिंट चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। जैसे अब ये आपका चल रहा है टाइम, इसके अंदर एक्सपेक्टेड टाइम, पास टाइम, रिमेनिंग टाइम, अब धीरे धीरे भी कमांड यहाँ से शुरू होगी, अभी पूरा प्रोसेसिंग चल रहा है, थोड़ा सा रिप होने में टाइम लेता है ये, बाकी ये है आपका प्रिंटर भी चल जाएगा, अभी प्रोसेसिंग आएगी इसके अंदर। अब देखो प्रिंटर हमारा ये चलने लग गया है, और अगर मैं अंदर की बात करूँ, देखो अंदर किस तरीके से चल रहा है, अभी आप देखेंगे ध्यान से, पहले वो कलर्ड प्रिंट कर रहा है और देन वाइट प्रिंट कर रहा है, ये होता है फंडा। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है, पूरा वाइटिंग से ये कोटिंग कर रहा है, अभी प्रिंट इतने निकल रहा है, देखो मैं आपको बाकी चीज़ें तैयारी कर लेता हूँ, इतने प्रिंट निकल रहा है आपको बताना है, फिर पाउडर भी किस तरीके से लगाना है, अदरवाइज अननेसेसरी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पर एक पेपर का कटआउट रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं अपने जो पाउडर मैंने लिया हुआ है पाउडर को मैं इसके ऊपर थोड़ा फैला लेता हूँ, ताकि ये वापस से डाल लेता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। और बाकी आप देखो एक बार प्रिंट देखो निकल रहा है पूरा, पैट फिल्म आपकी A3 साइज में भी आती है, एप्सन L1800 भी आप चला सकते हैं इसके अंदर। ये मैं डेस्कटॉप लेवल की एक वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद में एक वीडियो और रहेगी जिसमें हम लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स कवर करेंगे, 24 इंचेस 12 इंचेस। इसमें देखो दोनों ही ऑप्शन है, प्रिंटर आपको कन्वर्ट करना है, प्रिंटर भी आप खुद कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको स्टिकर्स चाहिए, स्टिकर्स भी आप चला सकते हो, सेम वही प्रोसेस रहेगा हीट वाला। अब देखो स्ट्रे का काम क्या है, बिल्कुल आपका प्रिंट जो बिल्कुल सीधा सीधा आ जाएगा, अगर आपको नीचे वो दूसरा वाला इंजेक्शन ट्रे लगी होती तो प्रिंट हल्का सा भी नीचे होगा, क्योंकि इंक बिल्कुल लिक्विड है ये। अभी जैसे पाउडर हम इसके ऊपर लगाएंगे ना, तुरंत ये पाउडर एकदम से चिपक जाएगा इसके ऊपर। देखो पास कर ले जाकर मैं आपको दिखाऊं एक बार, ये इस तरीके से पूरा पूरा मेल्ट है, ये पूरा लिक्विड फॉर्म में है। आप इस तरह देखो, मैं आपको एक इमेज इस तरह की भी निकाल के दिखाऊंगा, बैकग्राउंड के बिना बैकग्राउंड वाली, वो भी आपको समझ में आएगा किस किस तरीके से होगा। ये तो मैंने पूरा कलर्ड प्रिंट निकाला है, ये देखो हमारे इंक निकल गया है। इसे बिना कहीं टच करे बिल्कुल सिंपली आपका जो आपका पाउडर वाला एरिया है, जो भी आप ट्रे वगैरह यूज़ करेंगे, ये हमने पूरा पाउडर जो है इसके ऊपर इस तरीके से पूरा लगा लिया, ठीक है। अच्छे से रोल कर देंगे आप इसे, मतलब जहाँ जहाँ प्रिंट हुआ है वहाँ पर पूरा पे आपका पाउडर जो है पूरा पकड़ ले, अच्छे से आप उसे शेक कर देंगे ताकि पाउडर बाकी जो एरिया पे उस पर ना लगा रहे। अब देखो बात आती है इसको सुखाने की, अब सुखाने के देखो दो तीन तरीके हैं। अब आप देखो प्रिंट क्वालिटी इधर से देख लो आप कैसे किस तरीके से आ रही है, ठीक है। देखो
अभी हमने पाउडर इसके ऊपर, अब देखो सुखाने की बात करते हैं। अब क्या करना है, पाउडर जो हमने इसके ऊपर लगाया है इसे सुखाना है। अब सुखाने के दो तीन तरीके हैं, या तो आप देखो ओवन बाय कर लो, ओवन के अंदर आप कर सकते हो, अदरवाइज हेयर ड्रायर आता है, ड्रायर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास में फिलहाल हीट प्रेस मशीन है, मैंने हीट प्रेस मशीन के अंदर टेम्परेचर डाला हुआ है फेरनहाइट के अंदर 400, तो मैं 400 फेरनहाइट के टेम्परेचर पे इसे करीबन 1 से 1.5 मिनट के आसपास में रखूंगा, और 1-1.5 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। तो बस मैं आराम से इस नीचे की तरफ ऐसे रख देता हूँ, मशीन को प्रेस नहीं करना है, मैंने सिर्फ मूव करके ऐसे ही लॉक का मतलब ऊपर ओपन छोड़ दिया है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा वो अपना हीटअप होना शुरू हो जाएगा। एक बार ये सूखने दो, मैं फिर एक बार आपको बता दूँ कि किस तरीके से करना है। या हम कर सकते हैं एक छोटा सा एक प्रिंट और निकाल लेते हैं, इतने ये हीट भी हो जाएगा और आप बिना बैकग्राउंड वाली इमेज आपको किस तरीके से निकालनी है वो भी आप समझ लेंगे, और प्रिंटर की सेटिंग्स भी मैं फिर एक बार आपसे डिस्क्लोज कर दूँगा कि किस तरीके से निकालना है। हालांकि बता दिया है लेकिन फिर भी एक ये है कि चलो कैमरा के अंदर शायद जज नहीं हो पाएगा, या शायद जज नहीं हुआ होगा इसे। अगर आपको इमेज को इसको डिलीट करना है, राइट क्लिक करा इमेज पे, क्लोज कर देंगे यहाँ से, ये आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखो बिना बैकग्राउंड वाली इमेज, मैंने शायद इससे पहले फाइल खोली हुई थी, ये आ गई है, ये हमने मिरर करी हुई है, ये मिरर हमने वापस से कर दी, ये लिखा है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब इसमें बेस कलर कुछ भी नहीं है, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, PNG फाइल है। वापस हमने इसे मिरर कर दिया, इसकी सेटिंग्स अगेन आप देख लो, मैं थोड़ा कैमरा और पास कर ले जाके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, आपका प्रिंटर स्टाइलस L800 आएगा, पोर्ट आपका Epson L805, जो भी आपका करंट प्रिंटर आपका कनेक्टेड है। ठीक है, बाकी आप सेटिंग्स देख लो, ऑफ है, स्टार्ट प्रिंटिंग इमीडिएटली, ये DPI वगैरह आप इसी हिसाब से रखेंगे, आपको बढ़ानी है बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो। स्पीड हमें बाई डायरेक्शन रखी है, प्रिंट इमेज रिसैम्पल फॉल्स रखा है, कलर डॉट साइज मिक्स रखा है, वाइट डॉट साइज हम लोगों ने यहाँ पे लार्ज रखा है, फिर सबसे नीचे ऑप्शन आता है कलर का, कलर पे क्लिक करा, कलर में हमने इंक लिमिट यहाँ पे 60 रखी है, वाइट वाली लिमिट हमने 100 रखी है, इंक चैनल जो हमने यहाँ चूज़ करा है इसमें येलो, ब्लैक, वाइट, वाइट, मेजेंटा, श्यान, ये कलर्स आ रहे हैं इसके अंदर। हमने अगेन वाइट पे क्लिक करा, नीचे जो ऑप्शन आ रहे थे चार उसमें हमने वाइट पे क्लिक करा, इसमें आ रहा है आपका वाइट लेयर जनरेशन, इसमें आपको 100% वाइट अंडर एनी कलर पिक्सल, इस पे क्लिक करना है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, रिमूव ब्लैक इंक पे आपको ओके कर देना है। देन हम जाते हैं वापस प्रिंटर की तरफ और अगेन हम यहाँ देते हैं प्रिंट की कमांड, और यहाँ पे हमने ये दोनों ऑप्शन हमने ऑलरेडी ले रखे हैं, प्रिंट कलर फर्स्ट और कलर प्लस वाइट 90 nozzles, यही रहेगा, हमने प्रिंट की कमांड यहाँ से दे दी। ठीक है, अगेन वही जो प्रोसेसिंग इसकी चलती है वो प्रोसेसिंग चलेगी। ये प्रो प्रोसेसिंग इसका चल रहा है, ये देखो प्रिंटर आपका चल गया। अगेन आप देखेंगे ओपन करके, ये पहले कलर्ड प्रिंट करेगा और उसके ऊपर से वाइट वाली कोटिंग कर देगा। देखो साथ ही साथ बात कर लेते हैं, हमें साथ में प्रिकॉशंस और क्या क्या इसके क्या क्या इसके साथ में हमें रखने हैं। आप जब भी आप पेट फिल्म यूज़ कर रहे हैं हमेशा टेप लगाएंगे कॉर्नर पे, पेपर के ऊपर किधर की तरफ टेप लगानी है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी जैसे जॉब आपकी ख़त्म होगी, जॉब ख़त्म होने के बाद आप अपना जो हेड रेस्ट एरिया है वहाँ पर CS आप ड्रॉप करके छोड़ेंगे, जब आपने पूरे दिन भर काम कर लिया उसके बाद में आप हेड रेस्ट एरिया पर CS डाल करके आप छोड़ेंगे उसे, ताकि आपका नेक्स्ट डे जो है प्रिंटर आपको ओके काम करेगा। और बाकी भी मैं डाल के भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको डालनी है। तो एक बार प्रिंट ये बाहर आ गया, हम इसके ऊपर पाउडर लगा लेते हैं, आप कलर देखो किस तरीके निकल के आया कलर,
और अच्छे से आप उसे शेक कर लेंगे। देखो शेक करने का मतलब ये, आप ध्यान से देखेंगे अब यहाँ पे पाउडर लग रहा है, बीच बीच में कहीं पे पाउडर लग रहा है, तो इसे अगर आप अच्छे से शेक कर लेंगे ना तो निकल जाएगा। आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। ये पूरा निकल गया, पूरा क्लीन हो गया यहाँ से, ठीक है। साथ ही में हम इसे भी रख देते हैं इसके अंदर, और जैसे कि मशीन का टेम्परेचर भी होने वाला है, हो ही गया वैसे तो, और इसे हम थोड़ा सा साइड कर देंगे। देखो अभी अगर हम इसके ऊपर हाथ वगैरह लगा देंगे ना तो तुरंत से छूट जाएगा, मतलब क्योंकि अभी गीला है। और जब एक बार आप इसे हीट अप कर देते हो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, आप कितना भी हाथ इसके ऊपर लगा लो कहीं नहीं जाएगा ये, ठीक है। मशीन साथ में हीट भी हो रही है, अभी ट्रांसफ़र भी करके दिखा देंगे ट्रांसफ़र किस तरीके से होना है। बाकी देखो इसके अंदर अभी यही है, आप अपना ओपन डिज़ाइन भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया कितना भी डीप डिज़ाइन है, क्योंकि जहाँ पर भी इंक होगी वहीं पर पाउडर लगेगा, वहीं पर मेल्ट हो जाएगा और फिर आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे टी शर्ट्स के अंदर, अपना सब्लिमेशन के अंदर हमारा लगभग 30% कवर हो जाता है, उसके बाद रेस्ट 60% के अंदर से हम 30% विनाइल के अंदर कवर कर लेते हैं, जो ब्लैक टी शर्ट के ऊपर हमने ये विनाइल से प्रिंटिंग करी हुई है। अब रेस्ट जो आपका 40% बचता है वो आप अपना DTF के अंदर आप इजीली कवर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप पूरा 100% 99% आप पूरा टी शर्ट्स की रेंज को लेकर के आप कवर कर सकते हो एक DTF प्रिंटर के साथ में। अब इसमें साइज के ऑप्शंस की बात कर लें, अब ये वाला प्रिंटर हमारे पास में L805 है, ये हमारा है आपका 8 इंच का प्रिंटर है, A4 साइज है। अब इसके बाद में आपका दूसरा प्रिंटर डेस्कटॉप में एप्सन का L1800, ठीक है, ये आपका 12 इंच हो गया, आप इसमें भी आप चला सकते हो। और सेम वही वाला फंडा है जैसे हमने उसके अंदर बताया था, पूरा ये कवर खोलना है आपको, पूरा टैंक क्लीन करना है। अगर आपका नया प्रिंटर है तो कोई इशू नहीं, आप सीधा इंक डालो उसके अंदर, अंदर से रोलर निकालो और आपका काम चालू हो जाएगा। सेम उसी का कंसेप्ट है जैसा आपका L805 के अंदर था। अभी बाकी एक वीडियो और डालनी है, अभी तो ये मैंने बताया आपको डेस्कटॉप प्रिंटर्स को लेकर के। अब एक बनाएंगे हम लोग लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स जो होते हैं 24 इंचेस 12 इंचेस, उसके अंदर फुली ऑटोमेटेड काम होता है, पूरा शेकर वगैरह सब, ओवन वगैरह सब उसी के अंदर इनबिल्ट होता है। अभी देखो जैसे अभी ये है ना सूखना शुरू हो गया है, अभी आप देखो कि हल्का हल्का आपको ग्रेन्स दिख रहे होंगे किस तरह के शाइनिंग वाले, अभी थोड़ा सा और सूख जाएगा तो जल्दी उसके उसका वीडियो प्लानिंग में है। अभी नई मशीन आ रखी है उसका भी वीडियो प्लानिंग में है। एक्चुअली टाइम इसलिए लग गया वीडियो को लेकर के, पूरा इंक सब इसके अंदर हम लोगों को डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि इंक सही नहीं चल रही थी। अब देखो आपको क्या करना है, आपको हेड रेस्ट एरिया में आप अपना CS किस तरीके से डालेंगे, प्रिंटर को आपको सबसे पहले स्विच ऑफ करना है। ये आपने स्विच ऑफ करा, जब स्विच ऑफ वाले प्रोसेस में चल रहा है तभी के तभी आप प्रिंटर की पावर केबल निकाल देंगे, जब ये स्विच ऑफ वाले प्रोसेस के अंदर चल रहा होगा, ठीक है। शायद देखो हेड इसका अनलॉक नहीं हुआ है, अनलॉक करने के भी दूसरा तरीका भी है कि आप अंदर से लॉक को घुमा दें। बाकी देखो दोबारा बताता हूँ मैं, हमने प्रिंटर वापस से चालू करा, प्रिंटर चालू हो गया। अब देखो क्या होगा, हेड जनरली लॉक ही होता है लास्ट में जा करके, तो आपको क्या करना है, जब अभी हेड एडजस्टमेंट लेगा अपना उस टाइम पे प्रिंटर को आपको डायरेक्ट ऑफ कर देना है। ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं है वैसे, आप इजीली कर सकते हो। अभी जैसे आपका हेड राइट जाएगा तुरंत आप प्रिंटर को ऑफ कर देंगे, डायरेक्ट आपको पावर केबल से उसे डिस्कनेक्ट कर देना है। हमने प्रिंटर ऑफ कर दिया, केबल निकाल दी, ठीक है। अब इस वाले एरिया में आपको डालना है CS। CS किस तरीके से डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये CS की बोतल मेरे पास में है और ये मैंने ढक्कन के अंदर किया CS, ठीक है। आप डायरेक्टली डाल पाओगे डायरेक्टली भी डाल लो, वरना किट के अंदर आपको CS वाली आपको सिरिंज मिलेगी। ये आपने इसे सक किया और आप देखिए जरा इस तरीके से आपको डालना है, ठीक है। पूरा फिलअप कर दो, ओवरफ्लो भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे टिश्यू लगा होता है, पूरा पैड लगा होता है, वहाँ से आप इसे आराम से कर अपने आप वो सक कर लेगा, ठीक है। आपने ला करके वापस अपने हेड को आपने वापस से इधर लॉक कर दिया, दैट्स इट। ये आपको तब करना है जब आपका दिन भर का जॉब पूरा खत्म हो गया है, अब आपको इसके आगे काम नहीं करना है प्रिंटर के ऊपर, आपको नेक्स्ट मॉर्निंग चलाना है या 8 to 12 आवर्स बाद चलाना है, तब ये आपको काम करना है, ठीक है। और बाकी देखो ये हमारा हो ही गया है, ये देखो, ठीक है, ये पूरा अच्छे से हीटअप हो चुका है। अभी मैं इसे ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा, ये आपके सामने क्योंकि मैंने निकाला है तो रिजल्ट भी आप देख पाएंगे। ये आपका आपका मल्टी कलर हो गया, मतलब फ़ोटो इमेज हो गया, फ़ोटो की क्वालिटी भी देखो आपकी किस तरीके आई है। और मैं निकालता हूँ टी शर्ट जिसके ऊपर मुझे प्रिंट करना है,
ये वाली टी शर्ट के ऊपर ही प्रिंट कर लेते हैं जो हमारी लगी हुई है। बाकी जो पाउडर वगैरह है कोई मिनिमम बार नहीं है, आप कितना भी ले सकते हो पाउडर वगैरह, ठीक है। और पेट फिल्म की 50 शीट का पैकिंग होता है, जो भी मिनिमम पैकेट है वो आप ले लेंगे। मैं कैंची से इसे कटिंग कर लेता हूँ, सीजर देना। ज़रूरी नहीं है आपको काटना, या हम दो बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वैसे काटना ज़रूरी नहीं है। मैं टेप वाला जो पार्ट है इसे ये वाला कटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक ही बार में दोनों इमेज ट्रांसफ़र कर देता हूँ, लेकिन चलो दो बार में करेंगे हम, ठीक है। ये आपने इस तरीके से लगाया, बस 5 सेकेंड का टाइम आपको देना है, ठीक है। लास्ट वाला बटन आपने दबा दिया और आपने इसे मूव कर लिया, ठीक है। अब ये है आपका कोल्ड पील कहते हैं इसे, आपको ठंडा होने के बाद फिर पील ऑफ करना है, तो हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने का टाइम देंगे, ठीक है। ये देख लो आप क्लियरिटी, ये फोटो क्वालिटी। अभी डिजाइन भी एक बार आपको ट्रांसफर करके दिखाऊं, डिजाइन भी, डिजाइन किस तरीके से होना है ट्रांसफर। हालांकि प्रोसेस तो सेम है, बस ये है कि देखिएगा कैसा, थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाएगा ये। सब पील ऑफ कर दो, ये आप देखो, ठीक है। ये आपको क्या ट्रांसफर, आप इसे देख लो जरा। अभी हम बात करते हैं डिजाइन की, डिजाइन भी हम ट्रांसफर करते हैं, डिजाइन हम करते हैं दूसरे कपड़े के ऊपर ट्रांसफर, ब्लैक के ऊपर ही चूज करेंगे। ये एक फैब्रिक मेरे पास में रखा हुआ है जो हम लोग जनरली टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, तो इसी को मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मली आपने एक प्रेस किया, ठीक है। फिर जो आपका डिज़ाइन है, अगेन मैं इसके अंदर से बस आपका ये वाला पार्ट निकाल लेता हूँ, आपका टेप वाला, और सिंपली आपने डिज़ाइन को रखा, मूव करी, लास्ट वाला बटन प्रेस करा, और 5 सेकंड्स के लिए आप उसे चलाएंगे, ठीक है। मशीन को मैं बंद कर देता हूँ, ठंडा हो जाए। गर्म है, अगेन हम इसे वैसे ही ठंडा करते हैं। देखो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हीट प्रेस मशीन आपके पास में, बस सुखाने का एक बार आप सोच सकते हैं। अगर आपको ओवन यूज़ करना है आप ओवन यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको आपके पास में ड्रायर है आप ड्रायर यूज़ कर सकते हैं, और वरना हीट प्रेस मशीन आपके पास में है ही, ठीक है। आप देखो बिल्कुल फाइन है, एकदम एकदम स्मूथ फिनिश है, इसकी वॉशिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो बेसिक प्रिकॉशंस आपने समझ लिए, आपने अपना जब शीट लगानी है शीट के कॉर्नर पे आपको एक पेपर टेप लगाना है, ताकि पेपर उधर से थोड़ा सा थिक हो जाए, और आप जब आप प्रिंटर जो पेपर को रोल करेगा तो इजीली ले ले। दूसरी चीज़, जब आप वाइट इंक यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे शेक करके टैंक के अंदर डालेंगे, जब आप नेक्स्ट डे प्रिंटर आप चला रहे हैं आप टैंक को शेक करेंगे इस तरीके से, उसके बाद में आप प्रिंटर चालू करेंगे, और जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग आप प्रिंटर चला रहे हैं तो अपना एक नोजल चेक निकालेंगे, बस ये इंश्योर करने के लिए आपके कलर्स पूरे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर कोई कलर आपका टूटता है तो आप उसे हेड क्लीनिंग दे करके आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, आप जब रात को प्रिंटर बंद कर रहे हो, पूरे दिन भर का आपका काम खत्म हो गया, आपको लग रहा है कि अभी काफी टाइम तक काम नहीं करना है, तो हेड रेस्ट एरिया में जो मैंने आपको एरिया बताया था वहां पर आपको सीएस डालना है, क्लीनिंग सॉल्यूशन डालना है जो आपको मिलेगा,
और बाकी जितने भी आइटम्स है, पेट फिल्म है, CMYK के इंक है, वाइट इंक है और क्लीनिंग सॉल्यूशन है और जो भी सारी चीज़ें, इन सब का प्राइसिंग आप व्हाट्सएप पर ले सकते हो। तो मोर लेस हम लोगों ने 100% टी शर्ट प्रिंटिंग हम लोगों ने कवर कर लिया है और बाकी जैसे जैसे इसमें अपग्रेडेशन आती रहेंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। और बाकी एक वीडियो भी पेंडिंग है जिसमें हम लोग बड़ी मशीन्स की बात करने वाले हैं, LFP लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स, जिसके अंदर हम DTF लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स में किस तरीके से होता है वो सब उसके अंदर हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शुक्रिया।